नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील खारोल और आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी, जो है किनका त्योहार? कृष्णा जी का आज बर्थडे है और किसने रख लिया? और हमारा कन्हैया ये रहा दर्श, आज बता किसका बर्थडे है? बता कृष्णा जी का। दोस्तों आज बर्थडे है, मम्मी देखते हैं इसकी मम्मी क्या कर रही है, चलो चेक करते हैं। देखिए क्या कर रही है, नर्सरी कर रही है, गार्डनिंग। क्या कर रही हो? प्लांट लगा रही है। बारिश भी आने लग गई है, लेकिन ये क्या, ये तो सूरज भी आ रहा है। कहते हैं कि लोमड़ी की शादी हो रही है, बारिश गिरनी है तो मतलब लोमड़ी की शादी हो रही है। इसने छोटे छोटे से सैंपलिंग बनाए हैं। इस प्लास्टिक को ये सही तरीके से वो कर देना, ठीक है ना। ये गड्ढा खोद दिया इसने। ये देखो मेरी बेटी प्यारी सी, ये देख रही है मास्टर शेफ और ये देख रहा है लड़कों वाले खेल। क्या देख रहा है भाई ये? मम्मी हम जा रहे हैं देखने जन्माष्टमी। बच्चे आ गए, बाइक पे चले। तो दोस्तों हम अपनी लोकेलिटी के मंदिर में जाने लगे तो देखा वहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी, तो हमारा मूड ख़राब हो गया और हम वापस आ गए अपने घर की तरफ। लेकिन बच्चों ने कहा पापा चलना तो है कहीं ना कहीं, तो मैं अपने बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ले गया उन्हें कहीं झांकी दिखाने के लिए। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था आज, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। एक बात तो है, जन्माष्टमी को हमेशा बारिश शुरू होती है, ये तो मैंने हमेशा देखा है। तो सबसे पहले हमने जो झांकी देखी थी वो थी काली माता की झांकी, लेकिन काली माता यहाँ पे जो कर रही थी वो समझ नहीं आ रहा था, ये तो पेटी कर रहे हैं। और उसके बाद हम गए एक मेले में जहाँ पे मैंने कहा बच्चों यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे तुम झूला झूलने की जिद कर रहे हो। हर जगह राधा कृष्ण। तो देखिए गाइस, पापा हमें लेके जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए। तो हम अपनी लोकेलिटी के सबसे पुराने मंदिर में जाने लगे आज। यहाँ हम अपने पिताजी के साथ आया करते थे बहुत पहले, बहुत जब छोटे थे। और ये देखिए कितनी सुंदर प्रस्तुति। फिर मैंने कृष्ण जी को झूला झुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मुझे उसका प्रसाद भी मिला यानी कि केला। फिर मैंने और मेरे बच्चों ने मंदिर की परिक्रमा करी। बहुत ही भव्य मंदिर था ये, हमारे पास में ही है लोकेलिटी में, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। देखिए हम एक बंदर भी लेके चलते ताकि वो दूसरों के केले भी चुरा सके। और देखिए ये टॉफी भी चुरा के लाते हैं। तो रॉकस्टार परफॉर्मेंस के बाद जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। हर मंदिर इतना प्यारा सजा हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी में, तो बहुत ही आनंद आता है, मजा ही आ जाता है। हमारे यहाँ लोकेलिटी में तो बहुत ही सुंदर झांकियां होती हैं। दोस्तों अब जाने का टाइम। पापा आपसे ना हो पाएगा प्लीज। तो गाइस इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट पे लिखिए सुनील खालो सबसे अच्छी वीडियो बनाते हैं। और अभी बंद मत करिए, पापा ने जो ये वाला डायलॉग बना ना कि हमें तो वो बच्चों ने बोला था कि मुझे ना मेला घूमने जाना, हमें तो झूले झूलने हैं, ये फॉल्स है। आई रियली रिस्पेक्टिवली डिसएग्री। रिस्पेक्टिवली डिसएग्री, मैंने इनको जन्माष्टमी मैंने दिखाई है क्योंकि मुझे देखनी है। डायलॉग मुझको बड़ी पसंद है, जन्माष्टमी की जो झांकियां होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू आर लाइंग दैट डायलॉग फ्रेंड डायलॉग। ओके बाय बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। चल भाई चल अब पढ़ाई कर। तूने मुझे उल्टा बोला ना माँ जी पापा रेस्पेक्टिवली, चलो बेटा पढ़ाई करो। अब बताता हूँ आज लेट तक पढ़ाऊंगा तुझे। अबे यार फोन नहीं कटा था यार।